हेलो फ्रेंड्स, किरंदा नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश थी कि जेंट स्वेटर में ये जो शोल्डर का बॉर्डर बनता है, सुई वाला बंद करने वाला, ये डबल बॉर्डर ऐसे वाला बताया जाए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक साइड का इसका शोल्डर का बॉर्डर बना लिया है। दूसरी साइड में आपको स्टेप बाय स्टेप ये वाला बॉर्डर अच्छी तरह से बुनना सिखाऊंगी, जिससे कि आप आराम से ये बना लेंगे। और फ्रेंड्स, सेम टू सेम यही बॉर्डर आप लेडीज़ जैकेट में भी बना सकते हैं। इसकी जो बॉर्डर की लुक है बहुत सुंदर आती है, बिल्कुल आपके शोल्डर के साथ सटा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बुनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी शोल्डर की कटिंग बता देती हूँ कि इसकी शोल्डर की कटिंग मैंने क्या की है। इसमें ये देखिए, शोल्डर जो इसमें कट हुआ है 4 3 2 2 1, ये इसकी शोल्डर की मैंने कटिंग की है। उसके बाद मैंने सीधा शोल्डर बुना है, तो इसी हिसाब से आप इसकी गहराई में कटिंग कर सकते हैं शोल्डर की। आप चाहें तो 5 3 2 2 1 की भी कटिंग इसमें कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हमें गहराई की कटिंग देनी होती है हाफ स्वेटर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके हम फंदे उठाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें फंदों का हिसाब किताब बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें दो पल्ले होते हैं, यानी कि एक पीछे वाला ये पल्ला है और ये फ्रंट वाला पल्ला है। तो आप फ्रंट और पीछे के अलग अलग ये फंदे उठाएंगे। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप फ्रंट के ये यहाँ तक पूरे फंदे 75 से लेके 80 तक इसमें फंदे उठाएंगे एक साइड के। ये दोनों साइड के नहीं बता रही हूँ मैं, एक साइड के आपको बता रही हूँ। 75 से 75 से लेके 80 के बीच बीच आप इसमें फंदे उठाएंगे। इधर भी आप, इधर वाली साइड भी 75 से लेके 80 के बीच बीच आप इसमें फंदे उठाएंगे। तो जितने एक साइड उठाएंगे उतने ही दूसरी साइड सेम टू सेम आप फंदे इसमें उठाएंगे और बाद में इसका बॉर्डर बुनेंगे। तो चलिए अब इसका हम फंदे उठाते हैं और फिर बाद में बॉर्डर बुनते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी वूल जो है ये थोड़ी मोटी है और मैंने बॉर्डर में इसमें सब इसके जो नीचे वाले बॉर्डर हैं उसमें 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं और ऊपर मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। तो जो मैंने बॉर्डर में यूज़ की हैं वही मैं इसमें जो शोल्डर के बॉर्डर है उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ 10 नंबर की नीडल्स। इसमें आपको सिर्फ दो सिलाइयाँ ही ज़रूरत होगी, 4 सिलाइयों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ये लिए ये दो सिलाइयाँ ही ली हैं, दो सिलाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। और आप चाहें तो जिस पे आप बॉर्डर बुनते हैं 11 नंबर की सिलाई या 12 नंबर की सिलाई, जिससे आपके बॉर्डर की सफाई आती है, या आपने नीचे वाले बॉर्डर बुने हैं उसी से आप इसका बॉर्डर बनाइए शोल्डर का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसकी वूल अटैच कर ली है। अब इसमें फंदे उठाते हैं, तो बिल्कुल पास पास आपको फंदे उठाने हैं जैसे हमने गले में उठाए थे, क्योंकि इसमें थोड़े फंदे हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये देखिए, बिल्कुल पास पास फंदे उठाएंगे। और आप यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि यहाँ से जैसे आप फंदे उठाते जाएंगे तो ये इसकी जो कट है, जो इसमें शोल्डर डिक्रीज हो रखा है, यहाँ से इसकी गोलाई अच्छी से बनाइए। जैसे ये फालतू का यहाँ पे जो गांठ सी दिख रही है जब हम घटाते हैं फंदा, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ी सी नीचे करके ऐसे गोलाई अच्छी सी बनाइए। इसमें फंदे उठाने में इसकी अच्छी सी गोलाई बन जाती है, उसमें आप ध्यान दीजिए ज़रा जब आप फंदे उठाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल पास पास, क्योंकि आपको एक साइड के 75 से लेके 80 तक फंदे उठाने हैं। ये देखिए, ऐसे आप एक साइड के उठा लीजिए, यहाँ तक। देखिए, यहाँ तक मैं उठा लेती हूँ फंदे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी बैक साइड के फंदे उठा लिए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से लेके जो बैक साइड के, ये देखिए शोल्डर है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये टोटल मैंने यहाँ तक अभी 78 यानी कि 78 फंदे यहाँ तक मैंने उठाए हैं। तो अब आप आगे भी इसमें क्या करेंगे, ये जो इसकी फ्रंट साइड है इसमें भी आप यहाँ से लेके ये इधर को चलते जाएंगे,
इधर से आगे 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 आगे, तो यहाँ भी आप 78 स्टिचेस उठाएंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने ये उठा लिए फंदे, दोनों साइड के एक जैसे फंदे उठेंगे, 78 फंदे यहाँ तक हो गए हैं। तो यहीं से आप आगे फंदे उठाते जाएं, ये देखिए ऐसे बिल्कुल साथ साथ, ये देखिए ऐसे ही ये आपका आगे तक ये फंदे उठते जाएंगे। जैसे मैंने इधर के उठा लिए, आगे भी यहाँ तक ये टोटल आप उठा लीजिए 78 फंदे, जैसे आपने पीछे वाली साइड के उठाए हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टोटल फंदे कितने हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके फ्रंट साइड के भी फंदे उठा लिए हैं, इधर के भी मैंने 78 यानी कि 78 फंदे उठाए हैं। तो ये देखिए एक ही सिलाई में दोनों साइड के मेरे फंदे आ गए हैं आराम से। अब मैं आपको यहाँ पे टोटल फंदे बता देती हूँ, फ्रंट के भी और बैक साइड के भी, दोनों के मिला के ये टोटल फंदे हुए हैं 156 यानी कि 156 फंदे ये टोटल हो गए हैं इसमें। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 75 से लेके 80 तक के एक साइड के आप फंदे उठा सकते हैं, बीच बीच के कोई भी फंदे आप इसमें उठा लीजिए। अब फंदे उठाने का जो पिक करने का प्रोसेस है ये हमारा ख़त्म होता है, अब इसका हम बॉर्डर बुनना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से हमने इसके फंदे उठाए हैं, तो इसकी जो सिलाई है, जो पहली सिलाई है, वो उल्टी साइड में आएगी। ये देखिए ये स्वेटर की रोंग साइड है, तो हम इसकी फर्स्ट रो डालते हैं। तो हमारा बॉर्डर एक उल्टे और एक सीधे का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उल्टा सीधा किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए उल्टे सीधे का बॉर्डर है, रो वन रॉन्ग साइड, ऐसे आप इसका बॉर्डर बुनिए। ये सारी रो आप ऐसे ही पूरी कीजिए, एक उल्टा और एक सीधा जो बॉर्डर है आपका, नीचे के भी बॉर्डर इसके ऐसे ही हैं। ये देखिए ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी रॉन्ग साइड की ये रो बुन के एक कंप्लीट कर लिए, रो नंबर वन। अब आते हैं इसकी राइट साइड में, रो नंबर सेकंड में। ये देखिए यहाँ से भी ऐसे हम बॉर्डर चलाएंगे, उल्टा सीधा उल्टा, ऐसे आप एक उल्टा और एक सीधे का जो बॉर्डर इसमें बना रहे हैं, इसकी कुछ सिलाइयां डाल लीजिए। ये मैं सेकंड रो डालने जा रही हूँ इसमें, तो मैं जितनी सिलाइयां इसमें डालूँगी वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें टोटल कितनी रोज डाली हैं बुनने के बाद। तो ऐसे ही देखिए ये बॉर्डर आना स्टार्ट हो गया आपका, तो ये बॉर्डर बुन लीजिए। ये देखिए इसमें क्या करना है कि रो वन जैसे मैंने आपको बताई है और रो टू बताई है, तो रो वन और टू को इसमें रिपीट करते जाना है आगे आगे, तो आपका ये बॉर्डर बनता जाएगा। ये बॉर्डर बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें टोटल कितनी सिलाइयाँ डाली हैं। ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बॉर्डर बुन के कम्प्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ तक तो ईजी था, एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर है ये। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कितनी सिलाइयाँ डाली हैं। तो इसमें मैंने फ्रेंड्स 9 रोज डाली हैं, 9 सिलाइयों का ये मैंने बॉर्डर बनाया है। ये देखिए आपका फिर से राइट साइड में सिलाई आ जानी चाहिए। ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है, इसकी ये सिलाई यहाँ पे आ गई है। तो 9 सिलाइयों का बॉर्डर फ्रेंड्स बहुत ठीक ठाक हो जाता है। अगर आपको चौड़ा बॉर्डर चाहिए हो, थोड़ा आपको और बढ़ाना हो, तो आप एक दो सिलाइयाँ इसमें और डाल सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप बनाते जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया आएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए ये दूसरा शोल्डर है, इसमें हमने ये जो यहाँ से बॉर्डर डबल किया है ये कैसे किया है, यही इसमें मेन चीज़ है। तो इसमें भी जो सिलाइयाँ 2-3 आती हैं तो उस बॉर्डर डबल करने के लिए, तो वो भी थोड़ा सा बॉर्डर आपका बढ़ जाता है। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। राइट साइड में हम रो नंबर 10 में
अब हम ये सिलाइयाँ चढ़ाएंगे जिससे हम बॉर्डर इसका डबल करेंगे। तो ये वैसे ही बनती है मैक्सिमम, जैसे हम वी शेप नेक का बनाते हैं या गोल बॉर्डर बनाते हैं जब हम ये सिलाइयाँ डालते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों तरफ से बनेगा तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि उल्टा फंदा इसमें बुनना नहीं है, इसको आपको ऐसे ही उतारना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप करते जाएं, उतने ही फंदे रखें तो आपका बॉर्डर देखना बहुत बढ़िया आएगा। ये देखिए उल्टा फंदा हम उतार देंगे, वूल पीछे लेके जाएंगे, सीधा बुनेंगे। ध्यान से देखिए, वूल आगे लाएंगे, उल्टा फंदा हम स्लिप करेंगे, वूल पीछे को लेके जाएंगे, सीधा फंदा हम बुनेंगे। ये इसकी सीधी साइड है, राइट साइड है इसकी, देखिए। धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे को लेके जाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। यही मेन रोज है इसमें, जो इसका बॉर्डर जो है डबल करेंगी। धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे को, सीधा फंदा बुनेंगे। सीधे सीधे फंदे इसमें बुनने हैं हमें, धागा आगे, उल्टा स्लिप, धागा पीछे को और सीधा फंदा बुनेंगे। फिर से देखिए, धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे उल्टे वाला और यहाँ पे सीधा फंदा बुनेंगे। ये जो 10 नंबर रो है, 10वीं सिलाई है फ्रेंड्स, आपको सारी ऐसे ही बनानी है। ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस सिलाई की मैं लास्ट में हूँ, यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा है ये, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे को करेंगे और लास्ट में ये आपका सीधा फंदा है, इसको बुन लेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स ये रो हमारी ख़त्म होती है। 10वीं सिलाई जो है ये हमने कर ली है। अब इसकी रो नंबर 11 डालेंगे। रॉन्ग साइड में आगे देखिए, हम इसकी रो नंबर 11, 11वीं सिलाई है ये। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जो मैंने ये लास्ट फंदा ख़त्म किया है, ये इधर से हमारा सीधा था, ये देखिए मैंने बुन के ख़त्म किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, ये फंदा हम बुनेंगे। जो हम उधर से बुन रहे थे सीधा फंदा, वो इधर की तरफ हमारा उल्टा आएगा। यही डिफरेंस होता है, जो हम वी गला या गोल गला बुनते हैं तो उसकी सिलाइयाँ जो हैं एक साइड ही आती हैं, तो उसमें आपका सीधा सीधा फंदा बुना आएगा। तो फ्रेंड्स इसकी जो सिलाइयाँ ये दोनों साइड आती हैं, ये राइट साइड में भी आएगा आपका, रॉन्ग साइड में भी आएगा, क्योंकि ये बॉर्डर आपका खुला हुआ है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो हम उधर सीधा फंदा बुन रहे हैं, इधर आपका उल्टा आएगा, ये आपको बुनना है। ये देखिए, आपको नहीं ध्यान में रहता है तो आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करते जाइए। ये देखिए ये फंदा बुनेंगे, इधर उधर से जो उल्टा फंदा होगा जो आप स्लिप कर रहे थे, इधर से आपको ये सीधा दिखेगा, तो इसको आपको स्लिप करना है, वही फंदा आपको स्लिप करना है। धागा पीछे को ले जाएंगे आप, ये फंदा आप पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे। ये देखिए धागा पीछे को ले जाएंगे, सीधा फंदा ऐसे पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे, धागा आगे को लाएंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे को ले जाएंगे, सीधा फंदा जो है ये पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे, धागा इधर को लाएंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे। ये देखिए ये जो उल्टा फंदा आप इधर से बुनने लग रहे हैं, ये उधर से आपका सीधा है। तो ये आप जो बुन रहे हैं फंदा, आपको वही बुनना है, जो आप स्लिप कर रहे हैं आपको वही स्लिप करना है। तो बस फर्क यही आएगा कि उधर से ये सीधा होगा, इधर से उल्टा दिखेगा जो आप बुनोगे, ये जो आप स्लिप करोगे उधर से उल्टा होगा इधर से, और इधर से आपको सीधा दिखेगा। तो स्लिप आपको वही करना है। ये देखिए ये सीधा हम स्लिप कर लेंगे ऐसे पर्लवाइज, उल्टा हम बुन लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप बनाते जाइए। देखिए सीधा आप स्लिप कर लेंगे और उल्टा आप बुन लेंगे। ऐसे ही करते हुए ये सारी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए इस सिलाई की लास्ट में हम, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, उल्टा फंदा हम बुन रहे हैं, ये बुनेंगे, धागा पीछे को, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे,
धागा पीछे को और सीधा फंदा हम यहाँ पे लास्ट में है ये हमारे पास, इसको हम स्लिप करेंगे। ये देखिए इसी के साथ 11वीं सिलाई हमारी पूरी होती है। अब आप इसकी उल्टी साइड से, ये देखिए ये उल्टी साइड है, यहाँ से देखेंगे तो आपको ये फंदे अलग तरह के दिखेंगे। ये देखिए ये जो फंदा है ये आपको, और बुना हुआ फंदा और दूसरा फंदा आपको बिल्कुल अलग तरीके से ये दिखेगा। ये देखिए ढीले ढीले से दिखेंगे। तो चलिए ये रो हमारी कंप्लीट है। सीधी साइड में हम देखिए ये इसकी 12वीं सिलाई है। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको ये जो फंदे हैं देखिए उभरे उभरे दिखेंगे, जो आपने बुने हैं वो आपको उभरे उभरे यहाँ से दिखने लग जाएंगे दो सिलाइयों के बाद। देखिए अब हम इसकी तीसरी सिलाई डाल रहे हैं, यानी कि जो हम ये बॉर्डर उल्टा रहे हैं इसका हम तीसरी सिलाई डाल रहे हैं। ये देखिए ये आपका पहला फंदा उल्टा है, इसको आप ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे को करेंगे और ये सीधा फंदा बुनेंगे। ये देखिए ये आपका, देखिए फंदा जो है ये आपने स्लिप किया है, ये आपको पीछे की ओर नजर आने लग जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये देखिए ये आप उल्टा है, इसको आप स्लिप करेंगे, धागा पीछे को करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ। ये देखिए उल्टा फंदा आप स्लिप कर लीजिए, ये आपको पीछे को दिखेगा। जब आपकी दो सिलाइयां ऐसे वाली हो जाएंगी तो ये पीछे को अपने आप दिखने लग जाएगा। धागा आगे लाएंगे, ये देखिए ये पीछे को दिख रहा है, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करके आगे सीधा फंदा बुनेंगे। रो नंबर 10 जैसे आपने डाली है सेम टू सेम इसको आपको वैसे ही बुनना है। इधर सीधी साइड से आपको सीधा फंदा बुनना है, ये अपने आप छूटा हुआ फंदा दिखने लग जाएगा। ये पीछे को ये देखिए यहाँ से ना आपको, क्योंकि ये दो बार अभी बुना नहीं गया, दो सिलाइयों में हमने बुना नहीं है, तो अपने आप छूटा हुआ फंदा ये दिखने लग जाएगा। ये देखिए इसी तरह से करते हुए आप ये वाली रो पूरी कर लीजिए, ये सिलाई पूरी कर लीजिए। ये देखिए ऐसे अब आपको और ये यहाँ से उभरा उभरा दिखने लग जाएगा इस सिलाई के बाद। देखिए ये 12वीं सिलाई मैंने इसमें कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं आपको बता दूं कि 9 सिलाइयां हमने सिंपल बॉर्डर की इसमें डाली है उल्टे सीधे की, उसके बाद 10वीं 11वीं और 12वीं सिलाई जो है ये हमने ऐसे वाले बॉर्डर डबल बनाने के लिए डाली है। ये देखिए यहाँ पे आपको सारी सिलाई में ये उभरा उभरा सा ये बॉर्डर दिखाई देगा। ये देखिए ये यहाँ से आपका बॉर्डर जो है डबल हो गया है। ये मैंने 3 सिलाइयाँ ऐसे वाली डाली हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें 4 सिलाइयाँ मैक्सिमम डाल सकते हैं अपना बॉर्डर डबल करने के लिए। आप चाहें तो एक रो इसकी और भी डाल सकते हैं, इसको आप किसी भी तरफ से सिल सकते हैं, ये आराम से सिला जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें 3 ही सिलाइयाँ डाली हैं। जैसे मैं वी शेप का नेक बनाती हूँ तो उसमें भी मैं 3 ही डालती हूँ। तो जैसे मैं ये बता देती हूँ कि आप मैक्सिमम 4 सिलाइयाँ इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो निटिंग का काम है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे कि इसको वूल को काट के हम इसका बॉर्डर डबल करके सिलेंगे। तो चलिए ऐसा करना स्टार्ट करते हैं। इसको सिलने के लिए फ्रेंड्स आप काफ़ी सारा धागा काटोगे। ये देखिए ये मैंने धागा लेके यही वाला सुई में डाल लिया है काट के। ये धागा काफ़ी सारा लेना पड़ेगा आपको ताकि आपका पूरा का पूरा शोल्डर सिल जाए, नहीं तो इसमें बीच में गांठ अगर आई तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए और मैं एक बात आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग साइड से हम सिल रहे हैं यहाँ से। अगर आप बाय चांस एक स्लाइस में और डालते हो, यानी कि 4 सिलाइयाँ इसकी ऐसे वाली करते हो, तो आपको सिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहाँ से देखिए मैं आपको ये आप बता देती हूँ, यहाँ से ऐसे करते हुए इसको इधर से सिल सकते हो बहुत इजीली। आप किसी भी साइड से इसको सिल सकते हो। ये देखो इसको आप ऐसे उल्टा के यहाँ से और यहाँ ऐसे करते हुए यहाँ से आप इसको इजीली सिल सकते हो। ये देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सिलना। ये देखिए ये इसका उल्टा फंदा है और ये इधर से सीधा, ध्यान से देखिए जो आपको ये दिख रहा है उल्टा फंदा, तो आपको ऐसे सीधा लेना है। यहीं से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्यूवर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए उल्टा फंदा, टेक्निक वही रहती है सिलने की जो हम गले में इस्तेमाल करते हैं,
उल्टा फंदा हम सीधा लेंगे, ऐसे सीधी डालेंगे, ये देखिए ऐसे, और सीधा फंदा जो है ये दिख रहा, इसको हम पर्ल वाइज लेंगे, ये देखिए उल्टा लेंगे ऐसे, जैसे हम सिलाई में लेते हैं, ये देखिए ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा जो आपने लिया था, यानी कि जो उल्टा फंदा था आपके पास इधर से, उसको आप उठाएंगे, ये देखिए, ये कलर थोड़ा ऐसा है, इतना दिखेगा नहीं, ये देखिए फिर भी दिख रहा है, जो सबसे पहला फंदा आपने लिया है उसको उठाना है, और उल्टा फंदा आपको ऐसे यहाँ से सीधा लेना है, अब ये नीचे वाली साइड का, ये जो आपने फंदा छोड़ा है, ये देखिए अगर आपको अच्छी तरह से दिख रहा हो तो ये वाला फंदा जो सीधा था ये हमने छोड़ा था, इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको पकड़ लेंगे सुई में, ऐसे डालेंगे, और ये सीधा फंदा मैंने जैसे आपको बताया आपको पर्ल वाइज लेना है, ऐसे उल्टा लेना है, यानी कि ये देखिए ऐसे हल्का सा कस के रखेंगे, ज़्यादा इसको कसना नहीं है, तब नहीं तो बहुत टाइट सा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए जो हमने ऊपर फंदा छोड़ा था, ये मैं आपको यहाँ से कैसे एक बार दिखाऊँ अच्छी तरह से, कि आपको अच्छी तरह से ये पता चल जाए। अभी मैं इसको पकड़ के खींच के दिखाती हूँ, ये देखिए इसको मैं अगर खींचूँगी तो ये यहाँ से खींच रहा है, ये देखिए, तो ये आपका छोड़ा हुआ फंदा है, तो इसको लेंगे आप, और उल्टा फंदा मैंने आपको बताया है कि आपको ऐसे जैसे आप सीधा बुनते हो ऐसे लेना है, ये देखिए ऐसे। ऊपर वाला जो फंदा है वो थोड़ा ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आएगी, नीचे वाला जो फंदा है वो आराम से दिख जाएगा। अब ये नीचे वाला, ये देखिए ये सीधा फंदा जो नीचे वाला है ये आराम से दिखेगा, क्योंकि ये लूज हो जाता है जब आप बुनते हो तीन सिलाइयाँ, तो ये बार बार आगे आगे जैसे डालेंगे तो ये लूज हो जाता है। ये देखिए ये यहाँ से पकड़ेंगे, और ये आपका यहाँ पे सीधा फंदा है, इसको आप उल्टा लेंगे, ये देखिए ऐसे ऊपर से ये छोड़ा हुआ फंदा है जो, इसको उठाएंगे, ये दिखने लग जाएगा आपको, थोड़ा सा दिक्कत लगेगी, ये देखिए ये यहाँ से ये धागा जो खींच रहा है ये यही वाला फंदा है, तो यहाँ से उठाएंगे, और ये उल्टा फंदा जो दिख रहा है इसको आप सीधा लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलने की टेक्निक जो है वो सेम है, जो आप बॉर्डर बनाते हो वी शेप नेक का, ये देखिए ये दिखता है, इसको आप ऐसे सीधे फंदे को आप ऐसे पर्ल वाइज लेंगे, इसको ज़्यादा कसना नहीं है आपको, ना ही ज़्यादा लूज रखना है, ठीक ठीक आपको ये बनाना है, ये देखिए ये मैंने लिया, और उल्टा फंदा जो है आपको सीधा लेना है, तो ऐसे आप सीधा लीजिए इसको, ये सीधा फंदा है आगे वाला, इसको आप ऐसे पकड़ेंगे, और ये फंदा आप ऐसे उल्टा डालेंगे, देखिए ऐसे, थोड़े से अभी पता नहीं चलेगा, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि आपका ये वाला है ये आपस में मिलना स्टार्ट हो गया है, एक आप ऊपर से लेंगे फंदा, ये देखिए ये वाला, और इसको आप ऐसे उल्टे फंदे को आपको सीधा लेना है ऐसे। अब ऐसे ही करते हुए ये सारा बॉर्डर आप सिलेंगे, ये देखिए ये मैं आपको दूसरे वाला दिखाती हूँ जो सिला हुआ है, देखिए ये सीधी साइड से आपको ऐसा दिखेगा,
और ये रॉन्ग साइड से आपको, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपके बिल्कुल फंदे मिले हुए आने चाहिए और बिल्कुल सीधे दिखने चाहिए। ये देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड है। ऐसे ये बिल्कुल आपस में ये सीधे फंदे ऐसे मिले हुए इसमें आने चाहिए। ये देखिए, ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, ऊपर वाला फंदा जो जो है वो तो आराम से हो जाता है, ये नीचे वाला फंदा जो है सीधा जो हो रहा है इधर से, इसको आप ध्यान से करिएगा। यहाँ से ये देखिए, ये फंदा दिख रहा है आपको सीधा, यहाँ से नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है आपको उठाना, ये इधर वाला, ये वाला देखिए, ऐसे सीधा फंदा यहाँ से उठाएंगे आप, तभी आपका ये साथ में अच्छी तरह से मिल के आएगा। ये देखिए, उल्टा ले लेंगे इसको, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, नहीं तो आपके फंदे उल्ट पुल्ट से आएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये तो सीधा सा है, ये यहाँ से आपका फंदा जो आपने छोड़ रखा है उसको उठा लेंगे ऐसे, और ये उल्टा फंदा आप ऐसे डाल लेंगे। बट ये वाला सीधा मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सीधा फंदा जो है आपको ऐसे उबड़ खबड़ सा दिखेगा, अच्छी तरह से ये दिखेगा नहीं, तो आपको ये ऐसे इसको अच्छी तरह से सीधा करना है। ये देखिए, ये इसके दो दिख रहे हैं, तो आपको इधर वाली साइड का लेना है ये। ये देखिए, और ऐसे इसमें उल्टा डालेंगे। इसी से अगर आपका अपने दूसरी साइड का ले लिया तो आपके जो फंदे आपस में मिलेंगे नहीं और अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए, ऐसे जो ये वी है जो, ये बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। ये देखिए, ये इसी से क्लियर आएगी। अगर आपका जो ये फंदा है आपने अभी ये देखिए छोड़ा है, ये आपको अच्छी तरह से लेना है। देखिए, आपको ऐसे ये सीधा करना है, जब आप लेंगे इसको नेक्स्ट टाइम तो ये ऐसे सीधा होना चाहिए। तो आपको इधर वाली लाइन नहीं पकड़नी है, आपको इधर वाली लाइन पकड़नी है। ये आप ध्यान रखिए, ये कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारा सिल के बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम, ये देखिए लास्ट का ये फंदा डाल दिया मैंने, अब यहाँ पे आप इसको इसके साथ करके अटैच कर देंगे। ये देखिए, इसी के साथ ही आपका बॉर्डर कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आप इसको साथ के साथ ही ऐसे सिलना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये साइड सिलाई करेंगे आप स्वेटर की। ये देखिए ऐसे, इसी के साथ फ्रेंड्स ये आपका शोल्डर का बॉर्डर बनके तैयार है। इसकी लुक जो आती है बिल्कुल हटके आती है फ्रेंड्स, ये देखिए अलग इसकी लुक आती है। मेरे को ये बॉर्डर बहुत पसंद आता है, मैं मैक्सिमम अपने स्वेटर में यही बॉर्डर डालती हूँ, बिल्कुल हटके इसकी लुक है। तो अब आप आराम से बना लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सीधा करा है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है बहुत सुंदर बन के आई है। ये देखिए, बहुत सुंदर शेप बन के आती है इसकी, और दिखने में ये रेडीमेड स्वेटरों जैसा बॉर्डर लगता है। ये देखिए, अब आप इसको आराम से बनाइए, बहुत सुंदर बन के आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है सेम टू सेम वैसे ही चलते जाइए, देखना आपका स्वेटर का बॉर्डर बहुत बढ़िया बन के आएगा। अब आप आराम से बना लेंगे, तो बनाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।